जय मसीह की। दोस्तों, पवित्रात्मा का फल प्रभु की एक सबसे अधिक रोमांचित प्रतिज्ञा है कि यदि हम उसमें बने रहेंगे तो वह अपने आत्मा के द्वारा हम में बना रहेगा और हम वास्तव में भिन्न होंगे, हमारे जीवन बहुत ही बदल जाएंगे। दूसरी कुरिन्थियों 5:17 कहती है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। दूसरी कुरिन्थियों 5:17 त्राण की सुंदर प्रतिज्ञा हमारे लिए यह है कि हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं। दूसरी कुरिन्थियों 3:18 जितने यीशु में बने रहते हैं उनमें हमेशा आत्मा का फल होगा। क्या कभी आप यह सोचते हैं कि यह प्रतिज्ञा कभी आपकी हो सकती है? उत्तर एक बड़ा हाँ। हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु जिसने हम में भला काम करना शुरू किया है इसे पूरा करेगा। फिलिप्पियों 1:6 उसके वचनों को पूरा कीजिए, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यूहन्ना 15:16 और उत्तम समाचार तो यह है कि पवित्र आत्मा ने जो काम हमारे जीवनों में किया है वह सिर्फ अभी के लिए नहीं परंतु अनंत काल के लिए है। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, लूका 6:44। क्या कभी किसी ने आपसे यह पूछा है कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? यह प्रश्न यह पता लगाने के लिए है कि आप भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलते हैं या नहीं। कुछ लोगों के लिए यह हो सकता है, कुछ के लिए भाषाओं में बोलने का यह अर्थ है कि आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है या नहीं। परंतु यीशु हमें चेताता है कि चिन्ह और चमत्कार किसी का प्रमाण नहीं है। उसके स्पष्ट चेतावनियों को मत्ती 7:21-30 में पढ़िए और प्रकाशित वाक्य 16:4 को भी पढ़िए। यीशु साफ साफ कहता है कि उसके नाम में चमत्कार किए जाएंगे, परंतु यह प्रमाण नहीं करता है कि ये लोग यीशु के विश्वस्त अनुगामी हैं। सत्य तो यह है कि हमें बताया गया है कि यीशु के झूठे अनुगामी ऐसा कार्य करेंगे मानो वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परंतु ये पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना ऐसा कर रहे हैं। 2 तीमुथियुस 3:5 आज 2 तीमुथियुस 3:5 का सत्य किस प्रकार दिखलाया जाता है? कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपना फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झाड़बेरी से अंगूर। लूका 6:43-44 यीशु ने कहा कि हम एक पेड़ को उसके फल से जान सकते हैं। एक व्यक्ति को उसके दावे से नहीं परंतु जो हुआ है उससे जाना जाता है। आत्मा के दान चर्च को सेवकाय के लिए दिए गए हैं जो परमेश्वर के लिए की गई काम है। आत्मा का फल परमेश्वर के संतान को दिया गया है ताकि उसका जीवन बदल सके। एक सच्चा मसीह होना और अच्छा फल लाना यह दिखलाता है कि यह व्यक्ति सच में कौन है। एक अच्छा नायक महात्मा गांधी की भूमिका अदा कर सकता है परंतु वह कभी महात्मा गांधी नहीं हो सकता है। हम अच्छे दिखाई दे सकते हैं परंतु यदि पवित्र आत्मा हमें एक नया दिल नहीं देता है तो हम कभी अच्छा नहीं हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।